एवरीवन, सतनाम वाहेगुरु। तो कैसे हैं आप सब लोग? अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। तो चलिए फिर आज की इस मजेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज्यादा टेस्टी और बहुत ही ज्यादा क्रंची से कराची बिस्किट्स की रेसिपी। ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनते हैं और बिल्कुल मार्केट जैसे कराची बिस्किट्स आप घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। साथ ही आज हम इन बिस्किट्स को बनाएंगे अवन में और कढ़ाई में भी, ताकि आप इसे बिना अवन के भी बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। कराची बिस्किट्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये आधा कप ले लिया है बटर। तो मैंने यहाँ पे ये अनसॉल्टेड बटर लिया है, आप सॉल्टेड बटर भी ले सकते हैं। तो बटर जो है वो हमारा इस तरीके का सॉफ्ट होना चाहिए, हमें मेल्ट करके नहीं लेना है। तो आप इसे फ्रिज से एक दो घंटा पहले निकाल के रख लें और इस तरीके का सॉफ्ट बटर ले लें। बटर को अब हमें अच्छे से यहाँ पर फेंटना है, तो उसके लिए आप इस तरीके का हैंड विस्कर यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप उससे भी बटर को अच्छे से बीट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक बीटर से थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, 2 मिनट आप अच्छे से इस तरीके से इसे बीट कर लें। अगर आप हैंड विस्कर का यूज करें तो 3 से 4 मिनट आराम से लग जाएंगे। तो इस तरीके से हमें 2 मिनट के लिए अच्छे से बटर को फेंट लेना है और इससे हमारा जो बटर है वो बहुत ज्यादा क्रीमी और एकदम फ्लफी हो जाएगा। और आप देख सकते हैं बटर का जो कलर है वो भी चेंज हो गया और बिल्कुल क्रीमी हो गया हमारा बटर यहाँ पर। तो यहाँ पर अब हम इसमें डालेंगे पाउडर चीनी। तो मैंने यहाँ पे ये नॉर्मल चीनी ली थी जिसे मिक्सी जार में डालकर पीस लिया है, और ये आधा कप मैंने यहाँ पे ये पाउडर चीनी ले ली है। आप चाहें तो यहाँ पर कैस्टर शुगर का भी यूज कर सकते हैं। अब अच्छे से हम बटर और चीनी को भी 2 मिनट के लिए मिक्स कर लेंगे इस तरीके से इलेक्ट्रिक बीटर का यूज करके, और बिल्कुल अच्छे से एकदम इसे क्रीमी होने तक हमें इसे यहाँ पर इस तरीके से बीट करना है। इसे हम क्रीमिंग प्रोसेस कहते हैं और इससे जो हमारे बिस्किट्स हैं या फिर कुकीज हैं वो बहुत ही लाइट और खस्ता बनती है। तो लगभग 3 मिनट के लिए मैंने अच्छे से इसे बीट कर लिया है और चीनी और बटर बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया, और आप देख सकते हैं इसका बहुत ही ज्यादा लाइट कलर हो गया है और एकदम फ्लफी और क्रीमी हो गया है हमारा ये मिक्सचर। तो बिल्कुल ऐसा ही हमें मिक्सचर चाहिए। अब यहाँ पर हम इसके ऊपर रख लेंगे छन्नी और इसमें हम डालेंगे 1 कप मैदा। तो यहाँ पर ये 1 कप मैदा लिया है, ग्राम्स में देखें तो 125 ग्राम हमने मैदा लिया है। इसी के साथ अब हम इसमें डालेंगे यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर। तो मैंने यहाँ पे ये वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर लिया है, ये मैं यहाँ पे 4 टेबलस्पून डाल रही हूँ। अगर आपको बिस्किट्स का कलर थोड़ा सा लाइट पसंद है तो आप इसमें सिर्फ 2 टेबलस्पून भी कस्टर्ड पाउडर डाल सकते हैं। कस्टर्ड पाउडर डालने से जो आपके बिस्किट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और आपको इसमें कोई एसेंस डालने की भी ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ आधी छोटी चम्मच हम इसमें बेकिंग पाउडर डाल देंगे, यहाँ पे आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, और 1/4 चम्मच हम इसमें बेकिंग सोडा डाल देंगे। तो 1/4 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाल दिया है। साथ ही हम इसमें 1 पिंच के जितना नमक डाल देंगे। अगर आपने सॉल्टेड बटर का यूज़ किया है तो आप नमक इसमें ना डालें, और अगर अनसॉल्टेड बटर लिया है तो आप इसमें थोड़ा सा 1 चुटकी के जितना नमक ज़रूर से डाल दें। अच्छे से सारी चीज़ों को अब हम छान लेंगे और इसे अब हम अच्छे से बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हमें इसे मिक्स करना है। ध्यान रखें आप इसे हल्के हाथों से मिक्स करें, अगर आप इसे बहुत प्रेशर देकर मिक्स करेंगे तो जो हमारे बिस्किट्स बनेंगे वो इतने खस्ता और एकदम क्रंची नहीं बनेंगे, थोड़े से हार्ड बनेंगे। अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर हम इसमें डालेंगे 1 बड़े चम्मच के जितना छोटे बिल्कुल बारीक से कटे हुए काजू। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालेंगे तो जो बिस्किट सब आप खाएंगे तो उसमें आपको बहुत ही बढ़िया सा एक काजू का क्रंच मिलेगा। साथ ही अब हम इसमें डाल देंगे लगभग 4 टेबलस्पून के जितना यहाँ पर ये टूटी फूटी भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम ज़्यादा इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने ये कलरफुल टूटी फूटी ली है जिसे मैंने यहाँ पर इसमें डाल दिया है। अच्छे से अब सारी चीज़ों को हम अपने हाथ से कुछ इस तरीके से हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर ज़रूरत अनुसार हम इसमें 1 से 2 चम्मच के जितना दूध डाल देंगे। दूध हमारा यहाँ पर ये रूम टेम्परेचर वाला होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून इसमें दूध डाल दिया है, और बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल हल्के हाथों से हम इसे इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और एक डो जैसा इसमें से बना लेंगे। तो हमारा ये डो बनकर हो गया है तैयार। अब मैंने यहाँ पे क्लीन रैप ले लिया है, आप इसकी जगह पर फॉइल पेपर ले सकते हैं या फिर आप बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमने ये जो डो तैयार किया है इसे हम इसके ऊपर रख लेंगे और इस तरीके से हम ये ब्लॉक्स बना लेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर अगर अपनी पसंद से छोटे या बड़ी साइज़ के इसे कुकीज़ के शेप में कट कर सकते हैं। कुकी कटर का यूज़ करके आप इसे अपनी पसंद के किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसमें से इस तरीके से ब्लॉक्स बना रही हूँ और अच्छे से हम इसे इस तरीके से बना लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर स्क्वायर शेप में भी बना सकते हैं, मैंने जो बिस्किट बनाए हैं वो रेक्टेंगल शेप में बनाए हैं। और अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से जो हमारा क्लीन रैप है इसमें इसे हम फोल्ड कर लेंगे। बिल्कुल आप ये काम
आसानी से कर सकते हैं और बिल्कुल अच्छे से हम इसमें फोल्ड कर लेंगे, साइड से भी इसे फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। अब हम इसे लगभग आधे घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रखेंगे। आपको इसे नॉर्मल फ्रिज में रखना है, फ्रीजर में हमें इसे नहीं रखना है। तो आधे घंटे के लिए आप इसे अच्छे से सेट होने दीजिए, उसके बाद हम इसे कट करेंगे। तो लगभग मैंने इसे आधे घंटे के लिए अच्छे से सेट कर लिया है और ये बिल्कुल अच्छे से हमारा सेट हो गया है। तो इस तरीके से सेट करने के बाद बहुत ही आसानी से आप इसके बिस्किट्स को इस तरीके से कट कर सकते हैं। तो किसी भी शार्प नाइफ का यूज करके इस तरीके से आप इसे कट कर लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो साइज मैंने रखा है इतना रखा है और बिल्कुल बढ़िया से ये कट हो रहा है, क्योंकि हमने इसे अच्छे से फ्रिज में रखकर सेट कर लिया है। और आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर लग रहे हैं ये अभी से, और बनने के बाद ये बहुत ही बढ़िया लगते हैं। और टूटी फूटी भी हमने इसमें डाली है तो वो भी बहुत ही अच्छा लग रहा है इस तरीके से ये दिखने में। अब यहाँ पर मैंने ये बेकिंग ट्रे ले ली है जिसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगा लिया है और इस तरीके से हम ये बिस्किट्स को उस पर रख देंगे। थोड़ी सी दूरी पर रखें क्योंकि जब हम इसे बेक करेंगे तो ये थोड़ा सा फूलते हैं। अब ओवन को आप 10 मिनट के लिए अच्छे से 170 डिग्री पर प्रीहीट कर लें और फिर हम इसे बेक करेंगे। तो यहाँ पर ये कढ़ाई के लिए भी मैंने एक प्लेट ले ली है स्टील की, जिसमें मैंने बटर पेपर लगा लिया है और उसमें भी हम बाकी के जो बिस्किट्स हैं उसे हम कढ़ाई में बेक करेंगे। तो यहाँ पर इसे हम पहले बेक करने के लिए रख देते हैं। तो कढ़ाई को मैंने 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर अच्छे से प्रीहीट कर लिया है और इसमें फिर हम ये बिस्किट वाली प्लेट को रख देंगे और अब हम इसे ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पे लगभग 25 मिनट के लिए अच्छे से बेक होने देंगे। कढ़ाई में बेक करते टाइम ओवन से थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, तो 22 से 25 मिनट में ये आराम से बिल्कुल लो फ्लेम पर बेक हो जाएंगे। ओवन में यहाँ पर बिस्किट को बेक करने के लिए 170 डिग्री पे मैंने ओवन को 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया था और ये बेकिंग ट्रेस में रख दी है। अब यहाँ पर 170 डिग्री पर ही हम इसे लगभग 18 से 20 मिनट के लिए बेक होने देंगे। ध्यान रखें आपको यहाँ पर बिस्किट को 170 डिग्री पर ही बेक करना है। तो जो कढ़ाई में हमने बेक करने के लिए रखे थे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से बेक हो गए हैं। तो मुझे टोटल इसे बेक करने में कढ़ाई में 27 मिनट लग गए थे और अब मैंने यहाँ पे इसे निकाल के कूलिंग रैक पर रख दिया है। और ये जो हमने ओवन में बेक होने के लिए रखे थे ये भी बिल्कुल अच्छे से बेक हो गए हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से इन पे भी कलर आ गया है और ये अच्छे से फूल भी गए हैं। तो अब हम क्या करें, 1-2 मिनट के लिए इसे आप ट्रे में रहने दें, उसके बाद आप इसे कूलिंग रैक पर रख दें ताकि ये बिल्कुल अच्छे से ठंडे हो जाएं। अगर आप ज्यादा देर से बेकिंग ट्रे में ही रहने देंगे तो नीचे से ये थोड़े से सॉगी से हो जाएंगे, थोड़े से गीले गीले से हो जाएंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखें, आप इस तरीके से कूलिंग रैक पर निकाल कर रख दें। यहाँ पर हमारे सारे बिस्किट बिल्कुल अच्छे से ठंडे हो गए और मैं आपको दिखाती हूँ नीचे से, आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया इन पे कलर आया है, बिल्कुल अच्छे से ये बेक हुए हैं। और ये कढ़ाई वाले बिस्किट हैं जो हमने बेक किए थे, साथ ही जो हमने ओवन में बेक किए थे उन पर भी आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सा एक कलर आया है और बिल्कुल बहुत ही क्रंची और टेस्टी ये हमारे बिस्किट बनकर तैयार हो गए हैं। मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा ये क्रंची है और खाने में तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आपको ये सिर्फ बिस्किट को एक बार ज़रूर घर पर ट्राई करना चाहिए, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको आज की हमारी ये कराची बिस्किट की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर से इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसी तरह की और भी अगर आप रेसिपीज को देखना चाहती हैं तो हमारे चैनल को जरूर से आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन है छोटू सा उसे जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।